बेटा कुछ बेहतर हुई तबीयत? कैसा महसूस कर रहे हो? तेरे शाह साहब, शाह साहब कई दिन से इसकी यही हालत है, ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, चकरा के जमीन पे गिर जाता, बेहोश हो जाता। जी शाह जी, इतना शदीद सर में दर्द उठता है ना कि मरने की बातें करने लगते हैं। इन हालात में ऐसा होता है। फिक्र ना करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। शाह साहब मुझे बचा लें, मैं मरना नहीं चाहता। बेटा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, जब तक वो नहीं चाहेगा कोई बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इंशाल्लाह। इस घर में और कौन कौन है? जी मेरी अम्मी और मेरी छोटी बहन। बेटा आपस सुरैया नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई है? नहीं अम्मी, कमरे में है। मिम्रा, अम्मी को बोलो शाह साहब आए, लेकर आओ अम्मी को। और जब उन्हें बुला लो तो शाह साहब और पप्पा जान के लिए चाय भी बना लें। नहीं बेटा, हरगिज़ नहीं, हमारे लिए कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। चाय तो क्या हम इस घर का पानी भी नहीं पी सकते। शुक्रिया। जैसा शाह साहब कह रहे हैं वैसा ही करो। तुम एक काम करो, सिर्फ पप्पा जान के लिए चाय बना लेना। जाओ। मुमानी, बाहर अब्बू आए हैं पीर साहब को लेके, आपसे मिलना चाहते हैं। मुमानी, पीर साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं। देख रही ना, तस्बीह कर रही हूँ, बोलना नहीं था मुझे, फिर शुरू से करनी पड़ेगी। तुम जाओ, मैं तस्बीह खत्म करके आ रही हूँ।
जल्दी आ जाइएगा। क्या हो गया राशिद, क्यों लड़ाई कर रहे थे? मेरा तो फोन कॉल रहा है, आप सुनेंगी ना उसको कान से पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगी। ऐसा क्या कह दिया है उसने? अरे मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, मेरी बीवी और उसके घर वाले मेरी माँ के मुतालिक क्या सोचते हैं? अरे बोलो तो, वो और उसके घर वाले क्या सोचते हैं मेरे बारे में? कह रही थी कि मुमानी काला जादू करती है। तौबा, 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 अस्तगफिर अल्लाह। ये सब सुनने के बाद मेरा खून नहीं खोलेगा तो क्या होगा? सुना के आया उसको, अगर आइंदा के बाद उसने ऐसी कोई बात की ना तो कान से पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगा उसको मैं। बेटा खड़े हो जाइए। आता की किशन, आता है कुछ